नमस्कार आदाब, क्राइम पेट्रोल सतर्क के आज के इस एपिसोड में मैं अनूप सोनी आप सबका स्वागत करता हूं। बेला जादव एक ऐसी लड़की थी जिसकी उम्र भले ही 19 साल की थी, लेकिन उसका मन अब भी बचपन में ही कैद था। वो आज भी 8-10 साल की बच्ची वाली मासूमियत लिए हुए थी, लेकिन उसकी इस मासूमियत का असर समाज के उन दरिंदों पर नहीं हुआ जिनके लिए बेला सिर्फ एक फीमेल बॉडी के अलावा और कुछ नहीं थी। जहां एक तरफ इन बच्चों को हम स्पेशल चाइल्ड कहते हैं, वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग इन मासूमों की असहायता का फायदा उठाते हैं। पैसे कब दे रहा तू मेरे? दूंगा ना, क्या भाग रहा हूँ? कब दे रहा है? दूंगा ना, बोला ना। तू चिल्ला रहा क्या? खराब मत कर। चिल्ला के बाद क्या कर रहा है? लेकिन धक्का क्या दे रहा है? अरे ये समझा ना, भाई साहब ने बात किया था, तू धक्का क्या दे रहा? तू क्या दे रहा इसको? क्या हो गया? बेला, 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 कुछ नहीं होगा। बेला, देख, कौन आया है? हाँ, तेरी नहीं, नहीं, बेला, कुछ नहीं होगा, देख, कुछ नहीं होगा, हाँ, कुछ नहीं हुआ, देख, कौन आया है? इंदु वाइनी, चल, चल, चल। नहीं छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे। देख इन भाई, नहीं ना, कुछ नहीं होगा। ए मीता, देख नहीं रहा? मैं पढ़ रहा हूँ, बंद कर टीवी, कल परीक्षा है मेरी। तो मैं क्या करूँ? टीवी बंद कर, ना तो खाना खाली बास में दूला। कशाला, तेरी परीक्षा है, तेरे को पढ़ना है, तू कहीं और जाके पढ़ना दादा, मेरा प्रोग्राम था। वो चर्बी आ गई ना तुझे? हाँ, बड़े भाई से ऐसे बात करेगी? नहीं 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 दादा, केश क्या कर रहे हो? हाँ, अपनी बहन को मारता है, शर्म नहीं आती तुझे? तो क्या करूं, परीक्षा है, फेल हो जाऊं? साला किस्मत ही खराब है, दोनों बहनें मिली, वो भी ऐसी मिली। बेला, हाँ मिल जाएगी, वो इंदु गई है उसे ढूंढने के लिए, यही कहीं गई होगी खेलते खेलते। बेला अंदर चल। कुछ नहीं होगा बेला, बड़ा नहीं, नहीं, बड़ा कुछ नहीं होगा, मैं हूँ ना, आप लोग घर आए हैं। गया मेरा सीरियल, अब ये चिल्लाती रहेगी 10 घंटे। अब समझा ना, डिस्टर्ब होना क्या होता है? नहीं छोड़ो मुझे। अरे बेला ऐसा क्या करते हैं? बेला शांत हो जा बेटा, गब्बस देख, देख बेला अभी शांत हो जा, फिर शाम को अपन छुपन छुपाई खेल ले। कहा है तुम्हें कि बेला पे ध्यान दिया कर, ध्यान दिया कर, तुम हो कि क्या करी थी तुम? ओहो, तुम तो मत चिल्लाओ, एक तो इसका बच्चा दिमाग, ऊपर से तुम्हारा चिकना चिल्लाना, इसकी वजह से इसके दौरे और बढ़ने लगे हैं। सॉरी बाबा, वो मैं पीछे कपड़े सुखाने गई तभी बेला कहीं निकल गई, अगली बार से ऐसा नहीं होगा, मैं ध्यान रखूंगी। ठीक है, तुम इसे वाइफ जी की जवाब दे। पर बाबा वो तुम आई थी ना, इसे वाइफ जी की दवा शांत करती है, दे तिला दवा। हो चल, कुछ नहीं होगा तुझे, मैं तुझे कुछ किचन में खाने को देती हूँ। अच्छा अच्छा, चॉकलेट दूंगी, चल। मुझसे मेरी बेटी की हालत बिल्कुल नहीं देखी जाती। तेरे को ये सब पसंद है ना, खाली फुकट नाटक करती है। अरे तुझे तो अरे नहीं ना वहीनी, ठंडा ठंडा कूल कूल। अरे वाह, आज आमची नंदन किचन मध्ये काय, तू तो किचन से दूर ही रहती है ना? हाँ, पर मैं आज छोले बनाते और मुझे ना एकदम टिक्कट मसाला चाहिए, इसलिए खुद ही बना रही। हे भगवान। अरे वाह, क्या बना रहे हो? मीता जी तो
छोले बना रहे हो? मैंने बोला ना मेरे को मीता चीता नहीं बोलने का। ठीक है तो चीता मीता बुलाऊंगी, पर पहले मुझे छोले बनाने दो ना। बोलनी पोगना। नहीं बेला जा, तू बाहर जाके बैठ। नहीं नहीं मैं ना ये गाती हूँ। अरे ये भगवान मीता चिल्ला मत उस पे, तुझे पता है ना कि बेला को मुझसे गलती से गिर गया। जा बेला तू बाहर जा, मैं ये साफ करती हूँ। हाँ मीता मैं ये सब साफ करती हूँ, तू वापस काट। उसको बोलने को नहीं होता ना। मीता दोबारा से काट। मुश्किल कट गया मेरा। क्या मस्त है यार ये, ये देखना। ये अपने को मिलेगी क्या? इसको ढूंढना पड़ेगा। वो देख सबसे मस्त, ये तो अपनी एरिया की पपलू पर ही है ना। चल कुछ मस्ती करते। पैसा दे। कौन सा पैसा रे? ये कहीं का पैसा? तेरा तेरे को उस दिन पैसा दिया ना, पैसा रिटर्न कर। तू जाना शाना पड़ रहा है। पैसा ले ना साले। पैसा तू नहीं देगा, जा तो तेरे को पैसा दे। पैसा दे, पैसा दे, तेरे पैसा पैसा दे। ये बेला, ये बेला को क्या हुआ? बोलो ना, तुझे चिल्ला मत, डर गई ना बेचारी। सॉरी बेला, चल तुझे चॉकलेट देते। बहुत सारे चॉकलेट है ना। हाँ डर मत, बिल्कुल मत डरो। अरे पूरी चॉकलेट कहाँ गई? ये इसकी ड्रेस में है ना। हाँ तुम्हें मालूम है चॉकलेट मैंने जादू करके ना तुम्हारे ड्रेस में डाली थी। चलो चलो निकालते हैं। हाँ जेब चेक कर दो। जेब ही नहीं है, सलवार में हो गया ना। हाँ चैन में देखते रुक। मिला चॉकलेट? नहीं यार कहाँ है। नहीं मुकेश कुछ नहीं हो गया। इसका टेप रिकॉर्डर फिर से चालू। बाबा कुछ करिए इसका, आज निकल जाती थी इज्जत इसकी, कब तक चलता रहेगा ये? हाँ कैसे आवारों जैसा घूम रही है ये बाहर। मैं कल ही वैद्य के पास जाता हूँ और उनको बोलता हूँ कि इसका डोज बढ़ाओ। नहीं बाबा वैद्य के पास नहीं। बहू तुला चांगले समझते है, उनकी दवाई इस पर असर करती है। हाँ बाबा थोड़ी देर के लिए सही, इसका टेप रिकॉर्डर तो बंद हो जाता है दवाई लेके। बाबा वो हम बेला को पागलखान में नहीं जा सकते? मीता गप्पा बस। मेरा मतलब था इलाज के लिए। और इलाज के लिए पैसे कौन दे रहा? होने वाला ससुर देगा? एक तो मेरे पेंशन से इस घर का खर्चा नहीं पूरा पड़ता, आलोक की मौत के मुआवजे के पैसे भी अब खत्म होने वाले। वो तो शुक्र है कि वैद्य जी का इलाज सस्ता है, वरना वो भी नहीं कर पाता। अरे बेटा हाथ नहीं लाओ सेठ। ये नहीं 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 नहीं। अरे बेटा गिर, ये बेटा गिर। चल 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 आज ना करे। चल 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 ले ले ले, पानी पी ले, पानी पी ले। जी डरवा है। वाइनी वाइनी मुझे भी लेके चलो ना अपने साथ। नहीं बेला मार्केट में बहुत गर्दी होती है, मैं भाजी लूंगी या तेरा ध्यान रखूंगी? ध्यान नहीं मुझे चाट चाहिए, चाट खाना है, प्लीज ले चलो ना। अच्छा ठीक है, मार्केट से आते टाइम तेरे लिए गुप्ता जी का चाट लेके आऊंगी। ठीक है? ठीक नहीं है ना, अपने साथ लेके चलो ना प्लीज। नहीं सांगितलं ना बेला। मीता ए मीता। क्या? मैं मार्केट जा रही हूँ, तू बेला का ध्यान रखना। आई को बोलना आई कीर्तन में गई है, मैं जल्दी वापस आ जाऊंगी। आईते का? हाँ चल। मैं तेरा फेवरेट चाट लाई हूँ।
क्या इंदु, तूने ना इसको बिगाड़ के रखा हुआ है, लेकिन मुझे अच्छा लगता है। तू उससे इतना प्यार करती है, उसका ध्यान रखती है। क्या आई, बेला मेरी बेटी जैसी है। पर बेला, बेला कुटे आए? ए मीता, बेला किधर है? मुझे क्या पता, उधर ही होगी, पीछे देखो। तू एक लड़की का ध्यान नहीं रख सकती? बेला नहीं आई, बेला पीछे तो नहीं है। नहीं है? बेला, बेटा बेला कुड़ा है? मैंने कोई गड़बड़ नहीं की, मैं तो यहीं पे बैठ के उसका ख्याल रख रही थी, पता नहीं कब कहाँ निकल गई। तेरे जैसी लापरवाह लड़की ना मैंने आज तक नहीं देखी। आई मेरे को बाबा, मिली क्या? आई क्या? बाबा आपने सब जगह बराबर देखा ना? हो ना इंदु, सब जगह देखा लेकिन वो नहीं मिली। मुकेश तो उसे शहर के बाहर ढूंढ कर आया। हो वही नहीं, मैंने उधर भी देखा, नहीं थी वो। बाबा फिर पुलिस के पास चले? हो जाओ या ना। अरे बाबा हो क्या, पुलिस के पास क्यों जाना है? बेला ने पहले इतना नाटक किया, अब पुलिस आएगी और नाटक होगा। लेकिन उसको ढूंढना तो पड़ेगा ना। खुद आ जाएगी। आई, आप क्यों टेंशन ले रहे हो? और अगर नहीं आई तो? तो कल चलते पुलिस स्टेशन। मतलब वो रात भर बाहर रहेगी? अरे देवा, 300 सोबत का ही उल्टा सीधा हो गया तो। अरे आई, कुछ नहीं होगा उसके साथ, आ जाएगी वो, क्यों टेंशन ले रहे हो? कमाल है, आप बोल रहे हैं आपकी लड़की स्पेशल चाइल्ड लेकर रात से गायब है और आप अभी रिपोर्ट लिखवाने आए? साहब सुख जाली मान्य करो, क्या है वो हर बार वापस आती थी, लेकिन बेला ने एकदम बच्ची जैसी है, उसे क्या सही क्या गलत नहीं समझता, ऊपर से उसे दौरे पड़ते हैं। दौरे? साहब उसको चिकना चिल्लाना मारना पीटना बिल्कुल नहीं जमता, ऐसा कुछ होता है तो उसको दौरे पड़ने लगते हैं और फिर 2-3 घंटा लग जाता है ठीक होने में। अच्छा, इसके पहले कभी गई थी उधर से बाहर? हाँ गई थी, लेकिन वो थोड़ी देर के बाद वापस आया करती थी। राजी ना करो, हम लोग ढूंढेंगे उसे, उसके डिटेल्स ले लेना और ट्रैफिक पुलिस और बाकी सारे कंट्रोल को इन्फॉर्म कर दो। राइट सर, सलाम। जा शिरके, स्पेशल चाइल्ड है इसलिए स्पेशल केस है, लड़की किसी को कुछ बोल नहीं सकती, मदद नहीं मांग सकती। ठीक है सर। कंट्रोल लगा, एक लड़की का फोटो भेज रहा हूँ, जल्द से जल्द कार्रवाई होनी चाहिए। हो साहब, हमें बघितलं, तो मैं जाधव के घर गया और उसकी बहू को लेके आया, हमने देखा कि वो दो लड़के वो बेला के साथ कुछ गलत कर रहे थे। ए, छोड़, बेला तू ठीक है ना? पंकट, लाजाई वाटत माँ बाप ने क्या संस्कार दिए? अरे वही नहीं, खाली पीली काय को गर्म हो रहे, हम तो इसका ध्यान रख रहे थे, है ना बेला? ऐसे अपनी बहनों का भी ऐसे ध्यान रखते हो? हाँ छाती छू के, अगली बार से बेला के साथ ऐसा कुछ भी किया है ना तो सीधा पुलिस के पास लेके जाऊंगी। सर हम तो उसका ध्यान रख रहे थे। आई शपत सर, वो तो हमारा झगड़ा देख के डर गई। साहब तुम दोनों अच्छे दोस्त हो? हाँ सर, हम बचपन की बेस्ट फ्रेंड है, स्कूल टाइम से, कभी नहीं लड़ते सर। कभी लड़ना भी नहीं चाहिए कि किसी के सामने भी नहीं लड़ना चाहिए, जैसे उस दिन बेला के सामने लड़ रहे थे ताकि बेला को दौरा पड़ जाए फिर उसका फायदा उठाए ना। क्यों लड़ रहे थे, क्यों लड़ रहे थे? साहब हम तो उसकी फिरकी ले रहे थे, उसको डराने के लिए हम लोग ने उसके सामने झगड़ा किया था, फिर उसको दौरा पड़ा, पीछे वाली गली में लेके गए सर, ऐसे ही मस्ती करने के लिए। साहब हमने ज़्यादा कुछ नहीं किया साहब, उसकी वही नहीं आके उसको लेके गई और उसके बाद हमने उसको देखा भी नहीं है साहब, कसम से। ओ सर कुछ नहीं किया हम लोग ने। फिर से ऐसा किसी के सामने कुछ नाटक किया ना, 12 महीने के लिए अंदर डाल दूंगा, समझा? शिरके बेला की डिटेल्स निकालो, किससे मिलती थी, कहाँ जाती थी, और किसी ने तो देखा होगा उसको, सर इनकी डिटेल्स चाहिए मुझे। बेला
बताओ, मैंने सुना जादव की लड़की बेला परसों से गायब है। अभी क्या बोलने का भाई, कुछ फैमिली लोग रहती है ना जिनका नसीब ही खराब रहता है, बस वही समझ। क्यों, पहले भी कुछ हुआ था क्या? तो फिर अभी जादव काका का जो बड़ा बेटा है पहले वो मर गया, अभी जादव काका खुद तो रिटायर है, कोई काम धंधा है नहीं, घर में पूरी गरीबी फैली है। उनका छोटा बेटा अपनी दुकान पे आता है ना चाय पीने के लिए, हरदम फोन पे उसका टेंशन चालू रहता है पैसे को लेके, और क्या बोलेगा। और यार सर, मुकेश को आगे की पढ़ाई के लिए पैसों की जरूरत थी। एक हफ्ते पहले उसे कॉलेज से नोटिस मिला था, 3 महीने से उसने कॉलेज की फीस नहीं भरी थी, लेकिन अचानक ये 15,000 रुपये पे कर दिए। ये कॉलेज की रिसिप्ट है। 3 महीने से पैसे भरने के लिए नहीं थे और एक झटके में 15,000 लॉटरी लगी उसको। सर मैंने मुकेश की बैंक डिटेल्स चेक की, उसको कमल राठी नाम के अकाउंट से पैसे ट्रांसफर हुए। कमल राठी, ये कौन है? मुकेश को पैसे दिए थे तूने? हाँ सर दिए थे, दोस्त है वो मेरा। माल है मतलब 10 दिन पहले तुम्हारी कुछ दोस्ती नहीं थी, बातचीत नहीं थी, कुछ भी नहीं, 10 दिन में अचानक से दोस्ती बढ़ गई, दिन में 4-4 बार फोन शुरू हो गए और 10,000 तूने उधार भी दे दिए। कॉलेज की फीस देना सर कोई क्राइम नहीं है। कमल तो कुछ और ही कह रहा है, वो तो कह रहा था कि किसी और मकसद के लिए पैसे दिए थे। सर बकवास है ये सब, वो झूठ बोल रहा है। ये मुकेश तो बोल रहा है कि तू झूठ बोल रहा है, तूने उसकी कुछ मदद नहीं की, हालांकि तूने उसकी उधारी चुकाई। उसकी उतनी औकात थी वो मुझे उधार देगा? वो तो बोल रहा है वो इतने नहीं, वो तो बोल रहा तेरे को दिमाग नहीं, तू बददिमाग है। उसने मुझे बददिमाग बोला? हाँ हाँ, हूँ मैं बददिमाग जो उसकी बहन के लिए मैंने पैसे दिए। कितने कितने पैसे दिए थे? 10,000? सच सच बोल, नहीं तो हॉस्पिटल में फीस भरने के लिए भी पैसा नहीं रहेगा तेरे पास। सर मुकेश चाहता था कि मैं उसकी बहन के साथ सोऊं और उसे पैसे दूं, इसलिए सर वो उसने बोला और तू मान गया? नहीं सर, सर पहले मैंने मना किया था उसे, पर वो 15 दिनों से मेरे पीछे पड़ा था, फिर मेरे भी मन में लालच आ गया और मैं। कितने में बेचा था उसने बेला को? सर 15,000 में। 15,000 के लिए अपनी बहन को बेच दिया, तुझे शर्म नहीं आई घिनौना इंसान? सर कॉलेज में फीस नहीं भरता तो कॉलेज वाले निकाल देते, और वैसे भी सर मेरा बाप तो कंगाल है, और मैं नहीं चाहता था कि मैं अपने बाप की तरह 15,000 की नौकरी करूँ। अरे तू 2 कौड़ी की नौकरी करने लायक नहीं है, तेरे फ्यूचर की जिम्मेदारी तेरी बहन ने नहीं उठाई है, समझा? बेला के साथ क्या क्या किया तुमने? बताता हूँ सर, सर मैंने मुकेश को 10,000 रुपये फीस के लिए एडवांस दिए थे, और बाकी के 5,000 में काम होने के बाद देने वाला था। मैं बेला पर नजर रखने लगा था कि वो कब अकेली बाहर जाती है, और सर उस दिन वो अकेली बाहर निकली थी तो मैंने उसका पीछा करने लगा। फिर सर रास्ते में मैंने कमल को भी कॉल किया। सर मैं बेला को गाँव के बाहर लेके गया। कहाँ जा रहे हैं? हम लोग ना गेम खेलने जा रहे हैं। आजा यहाँ बैठ। नहीं कुछ नहीं होगा, बैठ यहाँ पे, ठीक है? यहीं बैठ, कहीं जाना मत, मैं आ रहा हूँ 5 मिनट, ठीक है? सर मुकेश वहाँ से चला गया और कुछ देर बाद मैं वहाँ चला गया। चलो एक खेल खेलें। हाँ हम ना लुक्का छुपी खेलेंगे। नहीं फिर उसके पीछे गया होगा ना तू? 10,000 तो ऐसे बर्बाद नहीं करेगा तू। हाँ क्या किया बेला के साथ? सर मैं सच कह रहा हूँ, मैंने कुछ नहीं किया, जैसे मैं बाहर निकला वो वहां से निकल गई थी। तेरी बहन मुझे यहाँ से मारकर भाग गई है। क्या भाग गई है? नहीं यार शायद घर चली गई होगी। वो सब मुझे कुछ नहीं पता, मुझे मेरे पैसे वापस चाहिए। तेरी हवस के वजह से पता नहीं उसके साथ क्या क्या हो रहा होगा, वो कहाँ होगी, आखिरी बार कहाँ देखा था उसको, जगह दिखाओ। यार रखा था तो कुछ नहीं दिख रहा है, जगह तो खाली है, देख कर तो कुछ लग नहीं रहा है। सिरके 2 टीम बनाओ, पूरा एरिया छान मारो, देखो बेला के फुटप्रिंट्स और कपड़े मिलते हैं। ठीक है सर। आसपास भी पूछताछ करो। सर ये देखिए। क्या है कार्डे? ये चप्पल है सर। ये विक्टिम की हो सकती है।
एविडेंस बैग में डालो सर और आगे चेक करो। सर दुपट्टा सर यहाँ कुछ मिला है। आइए सर सर ये देखिए यहाँ शराब की बॉटल्स मिली है और वो दुपट्टा और चप्पल। सर यहाँ कुछ ना कुछ तो हुआ है। ए, सर दे दोनों का आइडेंटिफिकेशन ले बोला। बॉडी को यहाँ ला के डंप किया गया है। क्राइम स्पॉट कहीं और है। चेक करो सर। देख रजन है बेला कर दे बॉडी चेक करो सर। क्राइम स्पॉट यही है। फॉरेंसिक को मिला इस जगह की एक एक इंच की फॉरेंसिक रिपोर्ट चाहिए मुझे। सर सर मैंने बॉडी अच्छे से चेक की। बेला का बहुत बुरी तरीके से रेप हुआ है और क्या सर उसके प्राइवेट पार्ट्स में कचरा भरा गया। बहुत बुरी मौत मिली है बेचारे को। और सर एक इयररिंग भी मिसिंग है उसके। करने ले क्या उनके इधर तुम इंसान या हैवान इतने बुरी तरह से कोई मारता है? सर मैं सच कह रहा हूँ मैंने कुछ नहीं किया। मैंने नहीं मारा इसे। सर मैंने भी नहीं मारा सर। वो तो मेरी बहन थी मैं उसे क्यों मारूंगा? अरे तेरी बहन थी फिर भी बेचा था ना इसको। मार भी सकता है तू। वो भाग रहे होगी इसलिए तुमने उसको मार दिया। सर सर सच में नहीं मारा। करड़े इनको लेके जाओ मेरे सामने से लेके जाओ। सिर के सर बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दो पर अर्जेंट रिपोर्ट चाहिए मुझे। अर्जेंट ठीक है सर। दिशा बेला की फैमिली को बुला। सर बेला बेला मेरी बच्ची मेरी बच्ची। क्या मुकेश मुकेश ने किया ये सब? नहीं नहीं साहब मेरा मुकेश ऐसा नहीं कर सकता। मुझे मालूम है अपने बेटे के बारे में सोचना बहुत मुश्किल है लेकिन उसने खुद ने कबूला है। उसने बेला को बेचा था और नहीं मुकेश ने नहीं मारा बेला को। वो ऐसा नहीं कर सकता। उसने कबूला है कि उसने बेला को बेचा था अपनी कॉलेज की फीस भरने के लिए। वो बहला फुसला कर बेला को कमल के पास ले गया था और उसे डर था कि वो सबको बता देगी इसलिए दोनों ने मिलकर बेला को मार दिया। साहब मुझे उसके पास लेके चलो। मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। नहीं बाबा मुकेश ऐसा नहीं कर सकता। आय का मजा मुकेश ऐसा नहीं कर सकता फिर कौन कर सकता है? इंदू जी आपको किसी पे शक है लेकिन आप बता नहीं रही। देखिए अगर आप बताएंगी नहीं तो हम बेला को इंसाफ नहीं दिला पाएंगे। साहब वो बैठ श्यामराव और उनके बेटे वो लोग ठीक लोग नहीं है। वैद्य इलाज कर रहे थे बेला का? हाँ पिछली बार जब बाबा बेला को वहाँ छोड़ने गए थे दवाई के लिए और फिर मैं जब बेला को वापस लेने गई थी तो ए! हलकट दे नालायक बीमार है वो और तुम लोग ने इसको भी नहीं छोड़ा। अगर बाहर मैंने किसी को बताया ना कि तुम लोग ने क्या किया तो दुकान बंद हो जाएगी तुम्हारे बाप की। इंदू क्या हुआ काई को इतनी भड़की हुई है? बाबा देखो ना बहनी कैसे झूठ बोल रही कि बेला को हाथ लगा रहा था। आप ही नहीं बोला था ना बेला का ध्यान रखने को। उसकी सांस रुक गई थी वही चेक कर रहा था मैं। देखा मैंने कैसे चेक कर इंदू, रहा था। मुझे मेरे बच्चों पर पूरा भरोसा है और मुझे अपनी आंखों पे। अगर फिर से ऐसा कुछ हुआ ना तो तीनों के तीनों जेल जाओगे।
साहब ये सब झूठ है, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। अभी बेला के जाने के दुख में ज्यादा लोग कुछ भी बोल रहे हैं। हाँ, इंदु के लिए बेला बच्ची जैसी थी और पति के मरने के बाद बेला से ही उसका मन लगा रहता था। देखिए वैद्य जी, बिना किसी ठोस वजह के कोई किसी के खिलाफ नहीं बोलता, और खासकर गांव के वैद्य के खिलाफ तो बिल्कुल नहीं। देखिए साहब, मैं बेला का इलाज कर रहा था, बेला की तबीयत पूरी तरीके से ठीक होने के पहले ही बेला मर गई, इसीलिए इंदु मुझ पर चिड़ी हुई रहती है, कुछ भी बोलती रहती है। अरे बीमारी को ठीक होने के लिए टाइम लगता है साहब, 100% सक्सेस रेट है माजा, पूरे 50 साल से वैद्य हूँ साहब। मतलब तुम लोगों ने बेला के साथ कुछ नहीं किया जैसा कि इंदु ने देखा था? हाँ सर, नहीं छुआ। इंदु वहिनी ना, वो क्या बोलते हैं, पैरानॉइड है। आलोक दादा के जाने के बाद से वो ऐसे ही रहती है। हम लोगों ने बेला को कभी बुरी नज़र से नहीं देखा। साहब मी गारंटी के तो साहब, मेरे लड़के ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते। सर ये गांव के वैद्य जितना कॉन्फिडेंस दिखा रहे हैं, उनके बेटों का कॉन्फिडेंस उतना हिला हुआ था। एक काम करो सर, के क्राइम स्पॉट का डम डाटा निकालो, चेक करो उस दिन शाम को इनमें से कौन कौन वहां था। ये जादो फैमिली भी गड़बड़ लग रही है, खास करके इंदु। सर बेला की पोस्टमार्टम रिपोर्ट, उसकी मौत 2 नवंबर को रात को 9 से 11 के बीच हुई, गला घोटकर मारा गया था सर, मल्टीपल ब्रूटल रेप। सर उसके प्राइवेट पार्ट को कचरे की डब्बे की तरह कचरे से भरा गया, पत्थर बीड़ी माचिस की। गैंग रेप? जी सर। ये कैसे लोग हैवानियत लाते कहाँ से? गैंग रेप? अगर गैंग रेप है तो उस दिन तो सिर्फ कमल था। सर मुकेश, सर ऐसा पहली बार नहीं होगा जब कोई सीमेंट सैंपल मिला? नहीं सर। बेला के साथ ना सिर्फ बलात्कार किया गया था, बल्कि उसके मरने के बाद उसके शरीर को कूड़ेदान की तरह से इस्तेमाल किया गया था। शायद पुलिस ने भी ऐसी हैवानियत पहली बार देखी होगी। बेला का मर्डर किसी की घिनौनी सोची समझी प्लानिंग थी या फिर मौके का फायदा, ये बात पुलिस समझ नहीं पा रही थी। पर उसी बीच उन्हें बेला के पिता यशवंत जाधव के बारे में एक चौंकाने वाली बात पता चली। हमारा एनजीओ छोड़ी हुई प्रताड़ित औरतों के लिए है। कुछ औरतों को समाज नकार देता है और कुछ को अपना परिवार। बेला के साथ भी यही हुआ। बेला करीब 1 साल पहले मुझे यही मिली थी। एकदम डरी सहमी सी डिसओरिएंटेड थी, जैसे किसी ने दवा पिला दिया उसको। अच्छा, जब बेला आपको यहाँ पे मिली तो उसने बताया था कि उसे यहाँ किसने छोड़ा? जैसे उसको थोड़ा होश आया तो एकदम से उसने अपना नाम और पता बताया, और उसने कहा कि उसके बाबा यहाँ उसको छोड़ कर गए। बाबा मतलब यशवंत जी? जी। उसके बाद आपने क्या किया बेला के साथ? यशवंत जी को कॉल किया और बेला उन्हें वापस दे दी। अच्छा, उस समय यशवंत जी ने आपको बताया होगा ना कि उन्होंने बेला को यहाँ क्यों छोड़ा? उन्होंने तो साफ मना कर दिया, उन्होंने कहा कि वो खुद से यहाँ आ गई होगी, पर मुझे पता है कि वो बेला से अपना पीछा छुड़ाना चाहते थे। या तो बेला ने वार्डन से झूठ बोला या तो तुमने वार्डन से झूठ बोला। अब सच क्या था हमें बता। साहब मैंने झूठ बोला था साहब, मैंने एक बार नहीं 2-3 बार बेला को अलग अलग जगह पर छोड़ने की कोशिश की थी, लेकिन हर बार वो वापस आती थी साहब। तुम्हारे खुद की बच्ची थी, स्पेशल चाइल्ड थी, फिर भी ऐसा बर्ताव कर रहे थे उसके साथ, क्यों? क्योंकि मैं जानता था साहब, मेरे और सरिता के मरने के बाद बेला का ध्यान देने वाला कोई नहीं था। मीता और मुकेश को तो अपनी ही बड़ी थी, त्याना कोणाची काळजी नव्हती साहेब। और रही बात इंदु की, वो अकेली बिचारी उसे कितना संभालती, कब तक संभाल। और साहब जिस घर का बच्चा मानसिक रूप से विकलांग होता है ना, उस घर के दूसरे बच्चों की शादी होने में बहुत दिक्कतें आती हैं साहब। तो इसलिए तुमने तय किया कि बेला से परमानेंट पीछा छुड़ाया जाए। तो ऐसा भी हो सकता है कि बेला तुम्हें रास्ते में मिली, उसने मुकेश की करतूतों के बारे में तुम्हें बताया, तुम्हें डर लगा तुम्हारे बदनामी का, इसलिए तुमने बेला को मार दिया। नहीं नहीं साहब, मैंने नहीं मारा उसे साहब। आप मेरे बच्चे के कातिलों को ढूंढिए ना साहब, ढूंढिए मेरे बच्चे के कातिलों को। ठीक है जाओ। सिरके मर्डर स्पॉट पे यशवंत का मोबाइल एक्टिव था क्या पता करो,
डम डाटा चेक करो। सर क्राइम जगह का डम डेटा आ गया है। मैंने सारे सस्पेक्ट्स को वेरीफाई किया। पंकज, धनंजय, मुकेश, यशवंत और कमल। किसका नंबर मिला? सर इनमें से किसी का भी नंबर पिंग नहीं हुआ जहां पर बेला का रेप हुआ, लेकिन एक नंबर 8:30 से 9:30 के बीच एक्टिव था। ये रहा प्रूफ। अब झूठ बोल के कुछ फायदा नहीं। वहां क्या कर रही थी तुम? देखो तुम प्राइम सस्पेक्ट हो, डम डेटा में साफ साफ तुम्हारा नंबर दिखाई दे रहा है। क्राइम स्पॉट पे तुम क्या कर रही थी? वाह, मेरा भी रेप हो रहा था। दो लोग जानवर के जैसे मुझे भी नोच रहे थे। क्या हुआ था तुम्हारे साथ? जब बाबा और मुकेश को बेला नहीं मिली तो मैं खुद बेला को ढूंढने निकली थी। बेला, बेला कहाँ है तू? बेला, ये बेला, बेला किधर है तू? बेला मार देते, मेरी बात सुन ले। अरे थोड़ी देर और मजा लेने दे, रुक, होश में तो आने दे, एक दो बार और मजा लेंगे। अरे वो भाग रही है, पकड़ उसको। ए रुक, मैं तब तक भागती रही जब तक मैं घर नहीं पहुंची। घर में किसी को बताया? साहब वैसे ही घर में इतनी टेंशन है, ऊपर से बेला भी गायब थी और मैं फिर घर पे रेप का बोलती तो घर की बच्ची कुछ इज्जत भी निकल जाती। ये तो गलती करते आप लोग, सिर्फ खुद के इज्जत के बारे में सोचते हो। साहब गरीब आदमी के पास इज्जत के अलावा और होता ही क्या है? उन दो आदमियों के बारे में बता सकती हो कुछ? कैसे दिखते थे? उनका चेहरा तो ढका हुआ था पर एक आदमी के पास कीचेन थी। किचन तो बहुत सारे लोगों के पास होता है, कोई खास आइडेंटिफिकेशन मार्क, कोई खास स्मेल, टैटू वगैरह ऐसा कुछ? जरा दिमाग पे जोर डालो। ठीक है, उनको मेडिकल के लिए लेके जाओ। सर कुछ गड़बड़ लग रही है, पहले मुकेश को डिफेंड कर रही थी और जब खुद का नंबर निकला तो बोल रही है कि मेरे साथ भी रेप हुआ है। सर मुझे लगता है कि ये मुकेश और खुद को बचाने की कोशिश कर रही है। सच क्या और झूठ क्या है ये तो मेडिकल रिपोर्ट के बाद ही पता चलेगा। सर सर मैं इंदु के बारे में उसके माइकी के यहाँ पता कर रही हूँ। इंदु के कजिन प्रकाश कदम की शादी बेला की बहन मीता के साथ तय हुई थी, करीब एक महीने पहले टूट गई, लेकिन किसी को ठीक तरीके से पता नहीं क्यों टूट गई। अफवाह ये है कि प्रकाश ने बेला को मोलेस्ट किया। सर ये सब झूठ है सर, मियाँ से काही केलेला नहीं है। तो जादव फैमिली ने तेरे साथ ऐसे रिश्ता तोड़ दिया? मैं आपको बोलता हूँ सर, ये मीता का है ना, जरूर किसी और के साथ लफड़ा होगा। इतने पेशेंस नहीं मेरे पास, ये हुआ होगा वो हुआ होगा, सच सच बता ताकि बेला के कातिल तक हम पहुंच सके। नहीं बताएगा सिर के, लेके जाए इसको अंदर। चल नहीं 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 सर, सांगतो सर। पहले कैसे टाइम पास करो धर्म। सगाई वाले दिन मैंने बेला को कपड़े बदलते देखा था। छोड़ो मुझे, अरे प्रकाश खोल, लाज नहीं वाटे तुला, निकल तू, निकल यहाँ से, निकल यहाँ से। मेरे से गलती हो गई सर, मैं मानता हूँ मेरे से गलती हो गई। मैंने मीता के परिवार वालों को भी बोला कि मेरे से गलती हो गई, वापस नहीं होगी। वो बेला को वैसा देखकर मेरे को क्या हो गया था सर, कुछ समझ में नहीं आया सर। लेकिन उन्होंने सगाई तोड़ दी सर, और ये तो इंदुताई की रिश्तेदारी थी कि उन्होंने बाहर किसी को ये बात नहीं बताई। इंदु ने कुछ बताया तेरे को? नहीं सर, उसके बाद तो इंदुताई ने मुझसे बात करना ही बंद कर दिया, और तो और उसके घर पे कोई भी मुझसे बात नहीं करता सर, सिवाय मुकेश के। ये और मुकेश की दोस्ती नहीं समझ में आई रे? सर दोस्ती नहीं है सर, मुकेश ब्लैकमेल करता है मुझे सर। अभी अभी मेरे किसी और के साथ सगाई हो गई है, तो ये बेला वाली बात बाहर ना आए इसलिए मुझे मुकेश को पैसे देने पड़ते हैं सर। ये बात अगर बाहर आ गई तो मेरे लिए अच्छा नहीं होगा सर। ब्लैकमेल नहीं, डील। मुकेश को पैसों की जरूरत थी, उसने कमल के साथ जैसी डील की वैसे तेरे साथ डील की,
उसने उस दिन कमल को जैसे बताया कि बेला कहाँ बंद है, वैसे तेरे को भी बताया। तू वहाँ गया, उसका फायदा उठाया और बेला का रेप किया। नहीं सर, उस दिन ना मेरे मुकेश से कोई बात हुई, ना मैं घर से बाहर कहीं गया। आप चाहिए तो वो चेक कर सकते हो। कॉल लोकेशन डम डेटा ना सिरके, इसके घर के आसपास भी पूछताछ करो। जरा भी लगे ना ये झूठ बोल रहा है, हड्डी पसली एक कर दूँ। हाँ सर, मैंने प्रकाश को ब्लैकमेल किया था। सर कमल ने मुझे सिर्फ 10,000 दिए थे और मुझे कॉलेज में 15,000 भरने थे, इसीलिए सर मैंने प्रकाश से मांगे थे। अपने बेचारे बहन को सामने करके धंधा कर रहा था ना तू, तुला लाज नहीं वाटत? और क्या क्या छुपा रहा है हमसे? कमल के साथ मिलके अपनी बहन बेला का मर्डर किया है तूने? नहीं सर, नहीं, मैंने अपनी बहन का मर्डर नहीं किया है। मैंने आपको कितनी बार कहा सर? हिंदू जादव की मेडिकल रिपोर्ट आ गई है। इसका मतलब इंदु सच बोल रही थी, उसके प्राइवेट पार्ट में भी इंजुरी है 4-5 दिन पहले की। लेकिन सर इंदु ने उनमें से किसी का चेहरा नहीं देखा और उस दिन का कुछ भी याद नहीं है उसे। दिशा अक्सर ट्रॉमा में मेमोरी धोखा दे जाती है, लेकिन उसे याद दिलाना होगा क्योंकि उसकी और बेला की केस उसकी याददाश्त पर डिपेंड है। देखिए इंदु जी, आपके साथ और बेला के साथ जो कुछ भी हुआ है बहुत गलत हुआ है, ऐसा किसी के साथ नहीं होना चाहिए। लेकिन आपके साथ जिसने भी ये किया है उसको सज़ा मिलनी चाहिए, और सज़ा उसी वक्त मिल सकती है जब हमें मदद कर सकती हैं आप। देखिए मुझे पता है इस हादसे को वापस याद करना आपके लिए बहुत तकलीफ वाला काम है, लेकिन फिर भी थोड़ा विचार करा साहब। वो आदमी के पास एक कीचेन था, लाल कलर का, स्पाइरल वाला। वो कीचेन उसकी बेल्ट से लटकी हुई थी, एक ही चाबी थी उसमें, और वो बार बार उसके पॉकेट से गिर रही थी और वो उसको अंदर डाल रहा था, तो दोनों के मुंह से बहुत गंदी बात आ रही थी। वो बदबू अभी भी मेरे दिमाग में है, शायद शायद बीड़ी की थी। शिरके एक काम करो, गांव के आसपास और गांव में जितने भी पान ठेले हैं वहां से बीड़ी के सैंपल लेके आओ, और इंदु जी जो बता रही है उस तरह का किचन का सैंपल भी लेके आओ। इंदु जी, इस तरह की कीचेन अक्सर बाइकर्स लोग यूज़ करते हैं, और इसका दूसरा पार्ट यहाँ बेल्ट में अटैच होता है ताकि चाबी गिरे ना। क्या इस तरह की चैन थी उसके पास? हाँ सर, ऐसी ही कीचेन थी। सिरके बीड़ी के सैंपल सिर्फ इतने मिले? हाँ सर, केवल गांव की 3 दुकानें ही हैं जो बीड़ी बेचती हैं और 3 ही ब्रांड अवेलेबल। बाबा सर पेट पर बीड़ी। पहली वाली ऐसी बदबू थी शायद। सर रजनी बीड़ी कौन सी दुकान में मिलती है? सर ये 3 दुकान पे अवेलेबल है। 3 दुकानों पे नजर रखो, ये बीड़ी की लत उस रेपिस्ट को दुकान तक जरूर लेके आए। पुलिस की सारी उम्मीदें अब उन रेपिस्ट पर ही टिकी थी कि कब कोई बाइकर अपनी बीड़ी की लत को पूरा करने के लिए आएगा, या शायद आएगा भी नहीं। 4 दिन हो गए थे पुलिस को पान बीड़ी की दुकान पर नजर रखते हुए, पर उन्हें कोई भी सफलता नहीं मिली थी। शायद बेला का गुनहगार इस गांव का हो ही ना। अब देखना यह था कि पुलिस कितने दिनों तक अपनी कोशिश जारी रखती है। रजनी बीड़ी दे रहे, दे ये कौन है रे? पुलिस। अरे चल, ए पागल है, काय को पकड़ रहे? ओए मैंने क्या किया? ओ साहब ये क्या जबरदस्ती है, मेरे को क्यों उठा? हिंदू का रेप किया था ना तुमने? इतना ही नहीं, बेला का रेप और मर्डर जहां हुआ वहां तुम्हारा मोबाइल लोकेशन एक्टिव दिखा रहा है। शिरके बोलेगा ना? बता। उस रात हम दारू पी रहे थे तो वहां बेला आई,
ऐसे ही अकेली भटक रही थी तो हमने उसका पीछा किया। फिर दारू लाने हम बाहर बाइक के पास गए तो वहां पर इंदु की आवाज सुनाई थी। बेला किधर है तू? बेला! इंदु किसी तरह से वहां से भाग निकली। हमें मालूम था उसने हमें पहचाना नहीं है, इसलिए हमने उसका पीछा नहीं किया। फिर वापस शेड में हम बेला के पास चले गए। हाँ, हमने उसकी लाश को शेड से बाहर निकाला और बाहर झाड़ियों में फेंक दिया, क्योंकि हमें पता था कि उसे जंगल के कोई जानवर नहीं तो कुत्ते खा जाएंगे और किसी को कुछ पता भी नहीं चलेगा। कभी जिंदगी भर सर जेल में और निकाल तेरी हवस। क्या हो गया है हमारे समाज को और कैसे ठीक होगी ये भ्रष्टता, ये अनैतिकता? अब भी अगर हमने अपने समाज को सुधारने के लिए कदम नहीं उठाए तो हर घर में बेला की कहानी दोहराई जाएगी। अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं, फिर मुलाकात होगी क्राइम पेट्रोल सतर्क में एक और नए केस के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सुरक्षित रहें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल सतर्क। जय हिंद।